इस वीडियो में हम कुछ फिल्मों की अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें नेचुरल स्टार नानी की अगली फिल्म की, जिसका अनटाइटल नाम था 1932, जिसका टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो आ गया है। इस फिल्म का नाम हिट द थर्ड केस होने वाला है। मेकर्स ने इसका वीडियो शेयर किया है, जिसमें हमें नानी का एकदम दार लुक देखने को मिल रहा है। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर शैलेश कुलानी डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये फिल्म मई 2025 को देखने को मिलेगी। वहीं बात करें आलिया भट्ट की कोई फिल्म जिगरा की, तो जिगरा के मेकर्स ने एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें आलिया भट्ट का लुक एकदम चार्मिंग दिख रहा है। ये एक एक्शन इंटरटेनमेंट फिल्म होने वाली है और ये फिल्म इसी साल 11 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। वहीं विजय थलपति की हाल ही में रिलीज फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को मल्टीप्लेक्स पर रिलीज नहीं किया गया है। इसके हिंदी वर्जन को सिंगल स्क्रीन थिएटर पर देख सकते हैं। ये फिल्म जनता को बहुत पसंद आ रही है, खासकर ये फिल्म उनके फैंस के लिए बनाई गई है। इस फिल्म को फैंस बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ये फिल्म हमें 4 हफ्ते बाद नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। वहीं बात करें देवरा फिल्म की, तो देवरा फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, जिसकी बुकिंग ताबड़तोड़ हो रही है। फिल्म का ट्रेलर 10 सितंबर 2024 को रिलीज किया जाएगा। जब इसका टीजर आया था, टीजर काफी देखने में अच्छा था। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इसका ट्रेलर कैसा होगा। ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होने वाली है, जिसे कोटाला शिवा ने डायरेक्ट किया है, जिसमें हमें NTR के साथ जानवी कपूर और सैफ अली खान देखने को मिलेंगे। ये फिल्म हमें 27 सितंबर 2024 को देखने को मिलेगी। वहीं हनुमान फिल्म की सक्सेस के बाद सांस सिनेमेटिक यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म आने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट डायरेक्टर ने कर दी है। उन्होंने एक पोस्टर शेयर करके बताया है कि सिम्बा इज कमिंग, यानी उनकी नेक्स्ट फिल्म सिम्बा से रिलेटेड होने वाली है। तो ये थी कुछ फिल्मों से जुड़ी अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।